आज हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। अगर आप मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की तैयारी करवाऊंगा, तो आप मेरे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास भेज दें तो मैं आपको ग्रुप पर जोड़ लूँगा, और जहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, जो भी मैं बताऊँगा आपको फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ कि इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह से, पहला सेंटेंस ये रहा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ठीक है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों पता क्या होता है, इसका आंसर जो है इनक्रेडिबल होता है, अविश्वसनीय जिसे कहते हैं। देखिए इन जोड़कर क्रेडिबल लिखना, CREDIBLE, इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय। अब ध्यान देना यहाँ पर लिखा दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मतलब ये निगेटिव टाइप का है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड ऐसा भी हो सकता है, और अगर आए दैट कैन बी बिलीव्ड या ऐसे आए दैट इज इजी टू बिलीव, तो यहाँ आपको क्रेडिबल लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिख देना है? क्रेडिबल। दोनों तरह से आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव इनक्रेडिबल, दैट इज़ इजी टू बिलीव तो क्रेडिबल, इसका ठीक अपोजिट आए तो क्रेडिबल लिखना, नहीं तो इनक्रेडिबल आपको लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए एक बहुत सरल तरीका मैं बताऊं, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव का हम वन वर्ड यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इस वर्ड से, बिलीव से क्या करेंगे, अन जोड़कर यही स्पेलिंग हम लिखेंगे वी तक, कहाँ तक लिखेंगे वी तक। देखिए अन के बाद हमने वही स्पेलिंग उतारनी शुरू कर दी, वी तक उतार दी, उसके बाद में हमने ABLE एबल जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया एबल, तो हो गया अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल माने होता है अविश्वसनीय। तो देखिए हो गया सरल कि नहीं हो गया, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो इस तरह से आप बस ध्यान रखना, डिफ़िकल्ट है तभी ये होगा, अगर यहाँ इजी आ जाए तो अन हटाकर आंसर हो जाएगा, अगर निगेटिव आए तब तो ये दोनों ही आंसर होंगे, और अगर दैट कैन बी बिलीव्ड आ जाए मतलब अफर्मेटिव में आ जाए तो अन हट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसमें इन हट जाएगा, एक क्रेडिबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया सरल, चलिए आगे देखते हैं, दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, कंक्वर माने मेरे प्यारे बच्चों होता है जीतना, तो कैन नॉट बी कंक्वर्ड जिसे जीता नहीं जा सकता उसे अजेय कहते हैं, अजेय। तो यहाँ अजेय से तो मतलब नहीं, हमें हिंदी से तो कोई लेना देना नहीं, हमें इंग्लिश लिखनी है, तो इसको कहते हैं इनविंसिबल, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन फिर विंसिबल, VINCIBLE, इनविंसिबल माने अजय, ठीक है, ये सी बनी हुई है, इनविंसिबल माने अजय, ठीक है, ये इसका हो गया एग्जैक्ट वर्ड। फिर आप यहाँ से भी उसी तरीके से वही फार्मूला फिर से मैं आपको बताता हूँ, और कोई ऐसा भी नहीं क्योंकि टीचर काट देगा, ये भी सही है, जो दूसरा लिखेंगे वो भी सही है, आपको एग्ज़ाम में लिखना है ना कि ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या करेंगे, निगेटिव में है तो फिर वही ट्रिक है, अन जोड़ेंगे, अन जोड़ने के बाद में आर तक पूरी स्पेलिंग उतार देंगे, देखिए CONQUER, और आर के बाद में क्या करना, ABLE जोड़ देना है, अनकंकरेबल, ये आपका आंसर हो गया अनकंकरेबल, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, लग रहा है ऐसे कि इस तरह के ही सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ, बड़ा सरल किए दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने क्लास के बच्चों को, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको इरिपेरेबल कहते हैं। इसमें आर था तो हम क्या करेंगे, अब IN, जैसे IN इसमें जोड़ा था, IN नहीं, इसमें IR जोड़ेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स, और फिर इसकी आर एक और आर होगी तो डबल आर होगी, होगी कि नहीं होगी, और फिर डबल आर के बाद में ई बना देंगे, डबल आर के बाद में ई बन गई, फिर वही पी आ गई,
और पी के बाद में, पी के बाद इसमें ए है तो ए आ गई, और ए के बाद में अब क्या करेंगे, आर ए बी एल ई जोड़ देंगे, आर ए बी एल ई, ठीक है। ये आई हटा दी, ये आर वैसी आ गई, उसके बाद में फिर इसमें ए बी एल ई लग गया, तो इरिपरेबल हो गया, स्पेलिंग बनी आई डबल आर ई पी ए आर ए बी एल ई, ठीक। ये भी जो आंसर है यहीं से निकल के आ रहा, देखिए आई आर जोड़ी, आर वैसी आ गई, ई वैसी आ गई, पी वैसे ही आ गया, ए सेम आ गया, फिर आई को ड्रॉप कर दिया, आर आ गई, फिर ए बी एल ई हो गया, तो इरिपरेबल। इस स्पेलिंग को आप रट लें, याद कर लें, समझ लें, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इरिपरेबल होता है जिसको जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। आगे दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेलिंग होती है एलिजिबल स्पेलिंग, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, एलिजिबल माने अपठनीय, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा, तो इसको आपको यही रटना है, एलिजिबल माने अपठनीय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर में, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, आई एम आई, यहाँ पर गलत लिखा है, आई एम आई टी ए टी डी, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो जिसकी नकल नहीं की जा सकती है उसे कहते हैं इन इमिटिएबल, यहीं से आंसर निकल के आएगा, इन जोड़ देंगे फिर इमिटिएबल यहीं से देखेंगे, ये आई था आई लिख दिया, एम था एम लिख दिया, फिर आई था आई लिख दिया, और उसके बाद में क्या करेंगे, फिर इन इमिटिएबल, ये जो टी है वैसे ही लिख देंगे, ए वैसे ही लिख देंगे, और ए एल ई जोड़ दिया, इन इमिटिएबल, तो हो गई स्पेलिंग आई एन आई एम आई टी ए बी एल ई, ठीक, इन इमिटिएबल। तो क्या किया, देखिए आई एन जोड़ के आई एम आई लिख दिया, आई एम आई टी ए वैसे लिख दिया, टी ए वैसे लिख दिया, और बी एल ई जोड़ दिया, तो हो गया इन इमिटिएबल। थोड़ा सा आप दिमाग में बिठाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, अब तो ये तो बड़ा सरल हो गया, तो ज़रूर आप शेयर करें, हो सके तो लाइक भी कर दें, नहीं लाइक करने के लिए मैं कहता ही नहीं हूँ। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, देखिए दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल, क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल, सी ओ डबल आर आई, डबल आर आई के बाद जी आई बी एल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो स्पेलिंग होगी आई एन सी ओ डबल आर आई जी आई बी एल, इनकॉरिजिबल। रट लें, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर रट लें, और मैं तो आपको समझाता ही जा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक दो बार देखना होगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। दैट कैन बी सीन थ्रू, सीन दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता है, तो उसे ओपेक कहते हैं, ओपेक अपारदर्शी, ओ पी ए क्यू यू ई, और दैट कैन बी सीन थ्रू, आठवां है, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके इस पार से उस पार देखा जा सकता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेलिंग, देखो टी आर ए एन एस पी ए आर ई एन टी, स्पेलिंग का ही सारा खेल है, स्पेलिंग गलत करोगे तो एग्ज़ाम में आपका कट हो सकता है, कट हो सकता है क्या, कट हो ही जाएगा। तो चलिए आठ के बाद नौवां देखते हैं, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, देखिए ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हर चीज़ में ब्राइट साइड देखता है, मतलब पॉजिटिविटी देखता है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ओ पी टी आई एम आई एस टी, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और ठीक नीचे लिखा है, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड, हर चीज़ में निगेटिविटी देखता है, नकारात्मकता देखता है, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट, पी ई डबल एस आई एम आई एस टी, पैसिमिस्ट माने निराशावादी। तो जहाँ ब्राइट आएगा वहाँ ऑप्टिमिस्ट लिखोगे, जहाँ डार्क आएगा डार्क डार्क वहाँ पैसी लिखोगे, पैसी, ठीक, ये प्रीफिक्स है पैसी, पिसा हुआ डार्क होता है, ऐसे समझ लो, जहाँ जहाँ डार्क है पिसा हुआ तो पैसिमिस्ट, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्राइट है तो ऑप्टिमिस्ट और डार्क है तो पैसिमिस्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर अपनी अपने नोट्स में लिखें, इन्हें तैयार करें और इस वीडियो को दूसरे बच्चों पर को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।